टमाटर एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हर घर में किया जाता है और भारत में टमाटर की जो फसल है अधिकतर जगहों पर हो जाती है, यानी कि आप मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सारे प्रदेशों पर टमाटर की फसल आसानी से ली जा सकती है। और टमाटर की जो फसल है वो एक ऐसी फसल है यदि आपने उसका बढ़िया मेंटेनेंस कर लिया तो, खासकर बरसात के मौसम में जो टमाटर की फसल ली जाती है उसके रेट काफ़ी हमें मार्केट पर मिलते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टमाटर की फसल का A to Z जानकारी लेंगे नर्सरी के लगाने तक। ये टमाटर की फसल का पहला भाग होगा। पहले भाग में हम जमीन की तैयारी से लेकर बीज के चुनाव तक बात करेंगे और अगला जो वीडियो होगा हमारा जो दूसरा भाग होगा उस पर हम टमाटर की फसल को अपने खेत पर लगाने के बाद जितने भी प्रकार के रोग और खादों का प्रबंधन करना होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों आज इस वीडियो हम 7 पॉइंटों के आधार पर टमाटर की खेती पर चर्चा करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा वो होगा हमारा उपयुक्त मिट्टी, दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों हमारा उपयुक्त समय और तापमान, तीसरा होगा ज़मीन की तैयारी, चौथा पॉइंट होगा जो हमें खाद देनी होगी आधार खाद क्या डालें खेत पर, और पांचवा पॉइंट होगा ड्रिप और मल्चिंग का चुनाव। जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा स्टेकिंग और सातवां और आखिरी पॉइंट होगा हमारा बीज का चुनाव कि हमें कौन से बीज का चुनाव करना है हमारी फसल को लेने के लिए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो के अंत में होगी विशेष बात और विशेष बात में आपको बताऊंगा कि यदि आप टमाटर की खेती करते हैं और आपके खेत पर बिल्ट और नेमेटोड की समस्या यदि आती है तो आपको कौन से कलर की मल्चिंग का चुनाव करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। मैं आपको बताऊँगा कैसे हमें रोगों से लड़ना है। पानी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो दोस्तों हमारा वो है कि उपयुक्त जमीन। दोस्तों आप किसी भी प्रकार की जमीन पर टमाटर की खेती कर सकते हैं बशर्ते उस पर जल भराव ना हो। आप चाहे दोमट मिट्टी हो आपकी तो बहुत बढ़िया बात है, काली मिट्टी पर भी इसकी खेती कर सकते हैं और लाल मिट्टी पर भी खेती कर सकते हैं और हल्की जो रेतीली मिट्टी होती है उस पर भी टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती में सबसे बड़ी जो समस्या आती है जमीन संबंधी वो आती है जल भराव की। तो यदि आपकी खेती पर जल भराव नहीं होता है अपनी ज़मीन, आप टमाटर की खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। और जल भराव यदि होता भी है तो आप उसमें जल निकासी की व्यवस्था कर लें अच्छे से, तो आप देखते हैं कि आपकी जो टमाटर की फसल वो बढ़िया होगी। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है दोस्तों समय और तापमान। दोस्तों टमाटर की खेती कर दो मौसम पर की जाती है, पहला ग्रीष्मकालीन टमाटर और दूसरा हमारा बरसात के समय के लिए। तो बरसात के समय के लिए जो समय होता है वो होता है हमारा जून और जुलाई, इसकी नर्सरी जो डालते हैं वो जून और जुलाई में डालते हैं। दूसरा जो समय होता है वो होता है हमारा दिसंबर और जनवरी के मौसम जिस पर हम ग्रीष्मकालीन के समय पर उत्पादन लेते हैं। तो तापमान की जहां हम बात करें तो तापमान टमाटर के लिए 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का जो तापमान होता है बहुत उपयुक्त तापमान होता है। इसमें अगर तापमान कम हो जाता है तब भी थोड़ी दिक्कत होती है, और वहीं अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है और सन बर्निंग की समस्या हमें आती है। अभी जो मौसम बरसात का है उस पर आप जून और जुलाई के मौसम पर नर्सरी डाल सकते हैं। जून के मौसम में जो नर्सरी डाली जाती हैं वो हमारी अगेती फसल कहलाती है। अगेती फसल लेने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपका तापमान ऊपर नीचे होते रहता है और आर्द्रता जो है वो भी कम ज़्यादा होती है, तो उसमें फंगस संबंधी रोग हमारे ज़्यादा आते हैं। आप अगेती यदि खेती करते हैं तो आपको जो है अनुभव ज़्यादा होना चाहिए दवाइयों के बारे में, मौसम के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में दोस्तों हमें सबसे पहले हमारी खेत पर हमें एक प्लाऊ चलाना होगा। प्लाऊ चलाने के बाद जमीन लेवल करनी होगी और जो बड़े बड़े ढीले मिट्टी के होते हैं उन्हें फोड़ने के लिए आप जो है रोटावेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आपके पास डिस्क हैरो हो तो डिस्क हैरो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़मीन समतल होने के बाद आपको जो है एक बार रेजर चलानी होगी। रेजर बेड के चौड़ाई के हिसाब से चलानी होती है, तो बेड की जो चौड़ाई है टमाटर की खेती पर कम से कम यदि आप स्टेकिंग विधि से लेते हैं तो आपको कम से कम उसकी टमाटर की चौड़ाई 4 फीट से लेकर 5 फीट तक करनी होगी। और वहीं पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो हमारी होगी 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाभ आप
ले सकें। और इस जानकारी को यदि आप चाहें तो हमारे किसान भाई जो अन्य हैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हैं ताकि उनको उससे लाभ मिल सके। रेट की जो दूरी है वो 4 से 5 फीट रहेगी और उसकी जो दिशा रहेगी वो उत्तर से दक्षिण रहेगी। ठीक है, बरसात के मौसम पर यदि आप खेती करते हैं और अन्य मौसम पर भी अगर ये खेती आप करते हैं टमाटर की, तो आपको जो बेट की जो दिशा है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण रखनी चाहिए। पूरब से पश्चिम यदि आप रखते हैं तो आप देखते हैं आपको तापमान संबंधी जो समस्याएँ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट है हमारा बेसल खाद। तो दोस्तों बेसल खाद में आप लेंगे 1 बैग DAP का जो कि 50 kg की मात्रा होती है उस पर, और 2 बैग लेंगे आप सुपर फास्फेट का। साथ में आपको पोटास की मात्रा लेनी होगी इसमें कम से कम 25 kg, और जिंक सल्फेट की मात्रा होगी 5 kg, सल्फर हमारा होगा 5 kg, और यदि आप नीम की खली का यदि इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी जो मात्रा है वो 1 क्विंटल होगी पर एकड़ के हिसाब से, तो आप देखते हैं कि आपकी जो जमीन संबंधी कीटाणु हैं वो काफ़ी समाप्त हो जाए नीम की खली के कारण। जैसे नीमेटोड की जो समस्या है वो नीम की खली का उपयोग करने से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है हमारा। तो ये रही दोस्तों खाद की मात्रा, और साथ में आपको गोबर की खाद जो है विशेष तौर से डालनी है। गोबर की जो खाद है वो कम से कम 2 ट्राली आपके खेत पर आपको डालनी पड़ेगी, और गोबर की खाद आप बेड के ऊपर डालें तो उसकी जो मात्रा है वो आपको कम लगेगी और उसका जो रिजल्ट है आपको वो ज़्यादा मिलेगा। आप पूरे ज़मीन पर बिखराने की अपेक्षा आप जब रेजर से बेड बनाते हैं तो एक बार पहले थोड़ी चौड़ाई पर ब्रेजर से बेड बनाएं और वहाँ पर ऊपर जो है आप बेसल डोज जो भी आप डालना चाहते हैं रासायनिक खाद का और साथ में गोबर खाद दोनों चीज़ों को आप डाल लें, और इसके बाद फिर से एक बार उसमें रेजर फिर से चला दें तो आप देखते हैं कि जो आप खाद डाल रहे हैं वो मिट्टी पर दब जाती है, तो पौधों पर जो है उसका असर अच्छा पड़ता है, उपयुक्त पड़ता है। ये फसल में ये जो मैंने आपको बेसल डोज बताए हैं इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 5वां जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा मल्चिंग और ड्रिप। ड्रिप जो है आपको 16 mm लेनी है, और उसमें जो पानी जो निकलेगा वो रहेगा कम से कम 1.2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। आपको ऐसी ड्रिप का इस्तेमाल करना है अपने खेत पर। दूसरा ये कि उसकी जो दूरी रहेगी ड्रिपर की वो रहेगी कम से कम 1 फिट। 1 फिट आपको ड्रिपर लेना है, इससे लंबे जो ड्रिपर होते हैं वो थोड़ी उसमें समस्याएँ होती हैं, और जो पौधे हैं वो हमें जिगजैग लगाने हैं तो ड्रिप लाइन जो है हमें एक ही डालना है उस पर। मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग आप 20 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक यदि इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप साल भर के लिए फसल लेते हैं आप स्टेकिंग के हिसाब से, तो आपको कम से कम 25 माइक्रोन की मल्चिंग लेनी पड़ेगी। तो ये होगी दोस्तों आपकी मल्चिंग, और मल्चिंग की जो चौड़ाई रहेगी वो आप अपने बेड के आधार पर ले सकते हैं, कम से कम 1 मीटर और 1.2 मीटर जो हमारी 4 फिट वाली मल्चिंग आती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट है तो स्टेकिंग के दोस्तों हमारे काफ़ी फायदे हैं। स्टेकिंग से आपको सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आप अपने फल को तोड़ाई में आपको समस्या नहीं जाती, वहीं जो भी आप दवाइयां स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी आपको करने में काफ़ी आसानी होती है, और ज़मीन से हमारा पौधा टकराता है तो उसमें जो फंगस हैं वो काफ़ी आते हैं। तो स्टेकिंग करने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि यदि आपको फंगस से बचना है तो आप पौधे को जो है ऊपर चढ़ाएं, और ख़ासकर हाइब्रिड जो प्रजाति हमारी टमाटर की होती हैं तो उन्हें हमें स्टेकिंग यानी सहारा हमें देना ही पड़ता, क्योंकि उसके जो तने होते हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते और उन्हें हमें सुतली की सहायता से बांधनी होती है। अब स्टेकिंग के मेथड की बात करें तो स्टेकिंग में 2 प्रकार के मेथड हमारे टमाटर में चलते हैं। एक होता है सिंगल रो वाला और दूसरा होता है कैंची मेथड और डबल रो। तो कैंची मेथड को हम यदि हमारे टमाटर की फसल पर लेते हैं तो हम देखते हैं कि आंधी तूफान और बरसात में हमारी जो फसल है वो काफ़ी सुरक्षित होती है। यदि हम बांस की संख्या देखें तो कैंची मेथड से बांस की जो संख्या है वो लगभग 2000 से 2200 तक हमारे बांस हमें 6.5 फीट लंबे हमें बांस लेने पड़ते हैं, और हम उसमें नाइलॉन जो वायर होता है हमारा उसको ले लें बांधने के लिए। तो नाइलॉन वाला जो वायर यदि आप लेते हैं तो आपको उसमें आपकी जो सर्विस है उसकी लगभग 4 साल तक आपको मिल जाती है। आप दोस्तों तार का उपयोग ना करें, क्योंकि आज के समय पर तार तो एक तो महंगी भी है, दूसरा उसमें जंग लगने की समस्या आती है। दोस्तों नाइलॉन वायर जो है हमारा वो लगभग 150 रुपये kg हमें मिल जाता है। वहीं हमें जूट की जो सुतली है वो उपयोग करनी पड़ती है हमारे पौधों को बांधकर ऊपर उसको सहारा देने के लिए।
तो जो सुतली की जो कीमत है वो लगभग आपको 130 रुपये के जी आपको मिल जाएंगी। उसमें वैरायटी, तो वैरायटी में दोस्तों आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं, आपके मार्केट पर कौन सी वैरायटियाँ चल रही हैं, कौन सा सेगमेंट चल रहा है। जैसे देसी सेगमेंट का टमाटर होता है हमारा, वो है। दूसरा कैप्सूल साइज जो चलता है हमारा हाइब्रिड में, वो। तो दो में से किसी का भी आप चुनाव कर लें। जो रिकमेंडेड जो वैरायटियाँ जो अभी अच्छी चल रही हैं और जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी है और इस पर मार्केट के रेट हमें अच्छे मिलते हैं, उन पर सेमनेस का अभिलाष, सेमनेस का अभिषेक, सेमनेस का दुर्ग, ये वैरायटियाँ बहुत बढ़िया वैरायटी हैं। वहीं सिंजेंटा की साहो वैरायटी भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और US 440 जो BASF कंपनी का सीड है, US 440, इसका भी इस्तेमाल यदि आप अपने फार्म पर करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और ये देसी सेगमेंट वाली वैरायटी है मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो इसके जो रेट हैं वो अपने खासकर भारत के बाज़ार पर काफ़ी डिमांडेबल हैं। कैप्सूल साइज हमारे यहाँ थोड़ा कम चलता है, चलता तो है, मगर जब हम मार्केट पर उसको लेके जाते हैं तो उसके जो रेट हैं हमें देसी सेगमेंट के अपेक्षा रेट हमें कम मिलते हैं। तो आप जो है अपने एरिया के हिसाब से आप बीज का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने 7 पॉइंटों के आधार पर आपको टमाटर की फसल में होने वाली जो तैयारियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की। ये टमाटर की खेती का A to Z का पहला भाग है। इसका दोस्तों दूसरा भाग जल्द ही आएगा, जिस पर हम नर्सरी को लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो हमें एहतियात बरतनी होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो की विशेष बात की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो की विशेष बात यह है कि यदि आपके ज़मीन पर निमेटोड और विल्ट की समस्या आती है तो आप जो है मल्चिंग जो है पारदर्शी वाली जो मल्चिंग आती है उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि विल्ट और निमेटोड की समस्या आपके फार्म पर काफ़ी कम हो जाती है। कारण ये है दोस्तों उसमें, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट हमारी जो पारदर्शी फिल्म होती हैं, धूप की जो किरण है वो ज़मीन पर हमारी ज़्यादा पड़ती है तो जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि बरसात पर जब अतिवृष्टि हो जाती है तब भी हमारी ये ट्रांसपेरेंट वाली मल्चिंग है वो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप जो है गर्मियों के मौसम पर ना करें, बरसात के मौसम के लिए ही आप ट्रांसपेरेंट मल्चिंग का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।